नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सूजी का ढोकला बनाएंगे। ये बड़ी आसानी से बन जाता है और इसे बनाने में तेल बहुत कम लगता है, लेकिन स्वाद में ये बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे सुबह नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, शाम को स्नैक के रूप में बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप सूजी ली है और ये बारीक वाली सूजी है, और ये हमने 1 कप दही लिया है, 1 हरी मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर मिक्सर में फैट कर ले लिया है। सूजी में डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। बैटर अभी बहुत गाढ़ा है, हम इसमें पानी मिलाएंगे। बैटर हम थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाएंगे, जिस तरह का इडली के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। यह हमारा बैटर बन गया। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सूजी फूल जाए, और इधर पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ढोकला बनाने के लिए हम कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसमें कि हमारा ढोकला बनाने वाला बर्तन अच्छे तरीके से रखा जा सके। इसमें हम 2-3 कप पानी डाल देंगे और इसके अंदर हम ये एक जाली स्टैंड रख देंगे, इसके ऊपर हम अपने ढोकला का बर्तन रखेंगे। गैस ऑन कर देते हैं और इसे ढक देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। बैटर को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, बैटर फूलकर तैयार है, अच्छा गाढ़ा बैटर है। इसमें हम 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 3/4 छोटी चम्मच पाउडर चीनी, ये ऑप्शनल है। अच्छे तरीके से मिला लेंगे और ये 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, इसके ऊपर हम 1 छोटी चम्मच पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसे डालकर हमें बैटर को बहुत देर तक फेंटते नहीं रहना है। जैसे ही बैटर में अच्छे बबल आ जाए, हमारा बैटर तैयार है। और ये बैटर बनाने में हमने 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी का यूज किया है। ढोकला बनाने के लिए हमने ये कंटेनर लिया है, इसमें हमने तेल डालकर इसे अच्छी तरीके से चिकना कर लिया है। बैटर हम डाल देंगे इसमें, एक जैसा कर देते हैं। पानी में उबाल भी आ गया है, हम ये ढोकला का कंटेनर पानी में रख देंगे और इसे ढककर 20 मिनट तक पकने देंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा कि भाप तेज़ी से बर्तन के बाहर आ रही है तो गैस को मीडियम कर देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, ढोकला को चेक कर लेते हैं। ढोकला अच्छा फूला हुआ दिख रहा है कि अंदर हम चाकू डालकर चेक कर सकते हैं, तो चाकू एकदम क्लियर आ रहा है। कंटेनर को निकाल कर हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ढोकला ठंडा हो गया है, चाकू को चारों ओर घुमाते हुए हम इसे बर्तन से अलग कर लेंगे और ये थाली इस तरीके से कंटेनर के ऊपर रखेंगे और इसे उलट देंगे और इस तरीके से थपथपा देंगे। ये ढोकला हमने निकाल लिया, अब हम इसके ऊपर तड़का डालेंगे। हमने 2 हरी मिर्च लिए हैं, इनको हम लंबाई में काट लेंगे, बीज हटा देते हैं। तड़का पैन गरम कर लेंगे, पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, गरम होने देते हैं। 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे, 10-12 करी पत्ता, 1 छोटी चम्मच तिल और ये हरी मिर्च। तड़के को ढोकले के ऊपर डालेंगे। सूजी का ढोकला बनकर तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट एकदम स्पंजी ढोकला बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी ढोकला बना है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। सबसे बाद में इनो फ्रूट सॉल्ट डालें और अच्छे तरीके से बैटर के फूलने तक मिला लें। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है इनो फ्रूट साल्ट डाल करके, क्योंकि एयर बबल निकल जाने के कारण ढोकला फूलता नहीं है। और पकाने के लिए पहले तेज़ गैस पर रख दें, भाप अच्छे तरीके से पानी में बन जाए। ज़्यादा भाप जब बर्तन में से निकलने लगे तो गैस मीडियम कर दें और 20 मिनट तक इसे पका लें। आप बहुत अच्छा ढोकला बनाकर तैयार करेंगे। ढोकला को मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी या अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। और ये ढोकला तो ऐसे ही बिना चटनी के भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सूजी का ढोकला बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए।
एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।